यानी कि हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। मास ऑफ अर्थ दिया है उन्होंने, रेडियस ऑफ अर्थ दिया है, महिंद्रा मास दिया है, कैपिटल जी की वैल्यू दी है। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेयर, है ना। तो इसमें सारे वैल्यूज डाल दिया, हाँ तो कैलकुलेशन देखो। कैलकुलेशन में 10^-11, 10^24 ये आएगा, 10^13 आएगा, है ना। 24 में से -11 गया तो 10^13 आएगा। नीचे देखो, 10^6 का स्क्वायर, यानी कि वो 10^12 हो जाएगा ना। 10^6 का स्क्वायर है ना, 10^2 ऐसा है ना, हाँ 10^6 और ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 6 यानी कि 6 × 2, 6 × 12 यानी कि वो आएगा 10^12 आएगा, है ना। क्या हाँ अब 10^12 डिनोमिनेटर में, 10^12 न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या होगा, 13 में से माइनस करना पड़ेगा। 10^13 है ना, उसमें से 10^12 यानी कि 12 माइनस करेंगे तो वो आएगा 10^1। आएगा समझ में? हेलो, अच्छा डिवाइड 10^13 ला 10^12 डिवाइड केलं तर 1 येत हाँ, यानी कि माइनस 10^1 आएगा ना, सिर्फ 10 आएगा ना, यानी कि सबट्रैक्ट 30, केलं. हा 10^1 30 में येत. से, हाँ 10, 30 में से 12 कट जाएगा डिनोमिनेटर में ना, इसलिए ऐसा किया। हाँ हाँ आया, आया समझ में आपको? हेलो, हाँ सर, हाँ सर. तो 10^1 आया। अभी सारे नंबर से ना तो उनका करेंगे 75 × 6, 75 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो, देखो कितना आता है, 6 × 5 = 30, कैरी 3 आएगा, है ना। 6 × 7 = 42 और 3 = 45, 4 × 5 = 0 आएगा ना, और उसमें फिर से क्या मल्टीप्लाई करना है, 6.67। तो करो 450 में 6.67 मल्टीप्लाई करो, कितना आता है बोलो मुझे आंसर। 450 में क्या करो, 6.67 मल्टीप्लाई करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 मिनट. तो कितना आ रहा है आंसर बोलो। हाय सर. हेलो, आंसर बोलो, 450 × 6.67 का मल्टीप्लाई कितना आया, थ्री जीरो मल्टीप्लाई जीरो 1.5 जीरो जीरो300, हाँ हाँ और 1.5 3001.5 ऐसा आया। अभी डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, 6.4 है, तो 6.4 को क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वेयर करना पड़ेगा। तो 6.4 का स्क्वायर कितना आता है बताओ, 6.4 × 6.4, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 6.4 × 6.4 बताओ। सिक्स पॉइंट फोर सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट फोर फोर हाँ बताओ कितना, 40.96 40.96 40 ना, 40.96 ना। हाँ. अभी उसके साथ क्या, 10 भी है, 10^1 भी है, यानी कि 10^1 यानी कि 10 भी है। अभी क्या करेंगे, अभी अभी आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। पॉइंट शिफ्टिंग करेंगे, सपोज 3001.5 × 10 करेंगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3001.5 × 10 करेंगे तो कितना आएगा इसका आंसर बोलो, क्या आएगा आंसर, 3001.50 यानी कि 3001.5 आएगा ना, आएगा समझ में। हाँ
हाँ सर तो ऊपर का जो आंसर आया हमारा वो कितना आया, 3001.5 आया, यानी कि 0.0, 0.0 हाँ नहीं लेकर चलेगा। और नीचे आंसर कितना आया, 40.96 ना, 40.96 वो जो 0.96 है दो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट वो हटा देता हूँ, वो हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 प्लेस के बाद है, तो नीचे आएगा 40 पॉइंट हट जाएगा, ऊपर 2 जीरो लगाए, आएगा समझ में। हाँ अभी क्या करो, 4096 से आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो वो डिवाइड करके आंसर बताओ, 4096 को 96 से 3001500 को डिवाइड करके आंसर बताओ कितना आता है। हाँ सर